हेलो फ्रेंड्स, उन्नति कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन एग्जाम के ग्राफिक्स के बारे में। उसका ग्राफिक कैसा आता है, आपके सामने क्वेश्चंस कैसे प्रेजेंट होंगे, आपको क्वेश्चंस कैसे सबमिट करना है और अगले क्वेश्चंस को आपने कैसे आगे बढ़ना है या अगले क्वेश्चंस आपने कैसे सेलेक्ट करना है, तो उसके बारे में मैं आपको आज कुछ बेसिक नॉलेज देने वाला हूँ। इसमें टोटल 25 क्वेश्चंस होंगे जीके के, ठीक है। और जिसका जीके का पोर्शन काफ़ी स्ट्रांग है, सब्जेक्ट काफ़ी अच्छा लगता है, उनको लगता है कि उनको जीके अगर आती है काफ़ी अच्छे तरीके से वो लोग क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं, तो इस वीडियो के साथ प्लीज़ बने रहिए और देखिए इस वीडियो को काफ़ी ध्यान से। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरी ये कंडीशंस है, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 आप इस वीडियो को स्किप मत करना, और वीडियो देखने से पहले या क्वेश्चन पर आगे बढ़ने से पहले अपने साथ एक नोटबुक और एक पेन प्लीज़ जरूर रख लें। जो भी क्वेश्चंस आपको अच्छा लगता है वो क्वेश्चंस आप नोट करें, मैं आपको बताऊंगा कौन सा क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रियल एग्जाम एटमोसफेयर जो भी ग्राफिक होगा वो आज आप देखने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों को पता नहीं होता, अगर वो पहली बार एग्जाम में बैठते हैं ऑनलाइन एग्जाम में तो उन्हें काफ़ी डर लगता है, काफ़ी संशय होता है उनको, काफ़ी डाउट होता है कि यार कि ग्राफिक कैसा होगा उसका, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हम अगले क्वेश्चंस पे कैसे बढ़ेंगे, या फिर दुनिया भर के सवाल। फर्स्ट टाइम जो बच्चे एग्जाम देते हैं तो उन्हें डर बहुत लगता है, डर इन द सेंस की डाउट, ठीक है। जब वो पहली बार एग्जाम देके आते हैं तो उनको क्लियर हो जाता है कि हाँ भाई एग्जाम का फॉर्मेट ये था, बट एग्जाम में जाने से पहले मेरे अकॉर्डिंग हर बच्चे को पता होना चाहिए कि हाँ ग्राफिक कैसे आने वाला है, हमें कैसे क्वेश्चंस में आगे बढ़ना है। चलिए बच्चों शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले अपना आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, आप जब सबमिट करेंगे अपना रोल नंबर और पासवर्ड, पहला फेस आपके सामने खुलेगा, पहला जो पेज खुलेगा उसमें होगा आपका रोल नंबर और पासवर्ड। पासवर्ड जो होता है मैक्सिमम आपका डेट ऑफ बर्थ होती है, जैसे आपका 1 मई 1991, तो आप 1 मई को लिखेंगे 01 मई, मतलब 05, पांचवा महीना मतलब 5, एंड 1991 टाइप करके जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे आपके सामने डायरेक्ट सेकंड पेज खुल के आएगा एक्सेप्ट। आई एक्सेप्ट पे टिक लगाने के बाद में आप उसको सबमिट करेंगे अगेन, उसके बाद आपके क्वेश्चन स्टार्ट। ठीक है, देखिए जो ऊपर का जो सेक्शन है आपका रीजनिंग, जहां मैं कर्सर लेके जा रहा हूं, आप देखिए रीजनिंग, फिर होगा आपका जीए मतलब जीके के क्वेश्चंस, फिर होंगे आपके क्वांट मतलब मैथ, और फिर होगा इंग्लिश का सेक्शन। देखिए अगर आपको पहले अगर इंग्लिश अटेम्प्ट करनी है तो आप ऊपर वाले टैब पे क्लिक कर देंगे और उसके बाद आपके सामने केवल इंग्लिश के ही 25 क्वेश्चंस डिस्प्ले होंगे, ठीक है। और अगले क्वेश्चंस पे बढ़ने के लिए आपको इस नेक्स्ट पे क्लिक करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि प्रीवियस क्वेश्चंस का आपने आंसर जो दिया कुछ डाउट था उसको चेंज करना है, आप प्रीवियस क्वेश्चंस पे क्लिक करेंगे, आपका वो क्वेश्चंस आपको पिछले वाले क्वेश्चंस पे लेके चले जाएगा, ठीक है। ग्राफिक केवल सिंपल इतना ही होता है। अगर आपको लगता है कि ठीक है आपको हिंदी में आपको क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको इंग्लिश में चेंज करना है, ये वाला क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा कि हिंदी में ये एंटीमोनी का मतलब क्या होता है, सुरमा क्या होता है एक्चुअली, तो यहाँ से आप व्यू पे जाइए, टॉप में देखिए आप राइट साइड में टॉप में ये लिखा है व्यू, व्यू से आप नीचे को ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे आपके पास इंग्लिश सेक्शन खुल के आ जाएगा, इंग्लिश और हिंदी। आप इंग्लिश को चूज कर लीजिए, जैसे ही आप इंग्लिश को चूज करेंगे कर्सर अपना साइड लेके आएंगे, तुरंत आपका ये क्वेश्चन इंग्लिश में डिस्प्ले होने लगेंगे सारे, ठीक है। तो स्टार्टिंग में भी आपसे वो पूछता है कि आप लैंग्वेज क्या चूज़ करना चाहते हैं, आप वहाँ से भी चूज़ कर सकते हैं, आपके सारे क्वेश्चंस इंग्लिश में ही आएंगे, सारे क्वेश्चंस आपके हिंदी में ही आएंगे, आप यहाँ से भी सिंगल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में, ठीक है। इस तरह का फेज आपके सामने आएगा, जो सेक्शन आपको अटेम्प्ट करना है वो अटेम्प्ट कर लीजिए, कोई टेंशन नहीं है कि पहले आपके आपको वो बाय डिफॉल्ट देगा जीआई का, मतलब रीजनिंग के क्वेश्चन देगा पहले नंबर आपको क्वेश्चंस का, लेकिन आपको लगता है कि आपको यार रीजनिंग बाद में अटेम्प्ट करनी है या जीए पे मैं कैसे जाऊं, अब ऐसे तो पॉसिबल है नहीं कि आप 1 से लेकर 25 तक नेक्स्ट 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 करते रहेंगे, फिर 25वां क्वेश्चन कंप्लीट होगा, 26वें क्वेश्चन पे आपका जीए स्टार्ट होगी, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ऐसा क्या होगा, आप टाइम बहुत खर्च करेंगे, अधिकतर बच्चे ऐसा ही करते हैं, उनको आइडिया नहीं होता कि कैसे क्लिक करना है। आप जो भी सेक्शन चूज करेंगे वो बाय डिफॉल्ट इस कलर के फॉन्ट में हाईलाइट हो जाएगा, जैसे ये डार्क ब्लू है, अगर आपको क्वांट में आना है मैथ सेक्शन में आना है, आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे सेलेक्ट करेंगे तो ये ब्लू कलर यहाँ पहुंच जाएगा क्वांट के पास, मतलब आप इस समय राइट नाउ जो प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं वो कहाँ पे खड़े हैं, क्वांट वाले सेक्शन पे। तो आप जो प्लेटफॉर्म अटेंड करेंगे, जो सारे जो क्वेश्चन अटेंड करेंगे आप लोग, अब करेंगे मैथ के,
तो आप सडनली रैंडमली जो भी चूज करना चाहे सेक्शन, सबका अपना अलग तरीका होता है। किसी का मैथ स्ट्रांग होता है और वो डायरेक्ट सबसे पहले मैथ को चूज करता है, मैथ के क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है, फिर उसके बाद में अगर उसका जीके स्ट्रांग होगा तो वो जीए को स्ट्रांग करके या सेलेक्ट करके अपना क्वेश्चन चूज करेगा। ठीक है बच्चों, मैंने इसमें 25 क्वेश्चन लिए हैं। रियल फेस रियल एग्जाम में जैसा आपका एटमोसफेयर होगा सेम ये वैसा ही वीडियो मैंने बना के तैयार करा है आपके सामने। तो प्लीज इस वीडियो के साथ बने रहिएगा, क्वेश्चंस काफी अच्छे हैं, एक भी क्वेश्चन आप स्किप नहीं कर सकते इसमें से। पेन पेपर लेके बैठिए और अपने नोट्स बनाइए, नोट्स बनाने के बाद में इसके साथ अपना जो इसमें आंसर है वीडियो में उसके साथ टैली करना आपको कितना याद रहा कितना भूले। ठीक है चलिए, ये थी कुछ बेसिक नॉलेज। आपको व्यू पे जा करके हिंदी इंग्लिश चूज कर सकते हैं, ऊपर आप किसी भी सेक्शन पे डायरेक्ट क्लिक करके वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है एसएससी का सेम ऐसे ही पैटर्न आना है आपके एग्जाम में। ठीक है और बस पैटर्न ये आना है, लेकिन आपका नीचे सॉल्यूशन दे रखा है ना वो नहीं आएगा आपका, क्योंकि ये तो फिर चीटिंग हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं अब डायरेक्ट हम आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कहता है कि निम्नलिखित में से सूरमा का प्रतीक क्या है। सुरमा को बोलते हैं एंटीमनी। तो आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे ए बी सी डी, तो उसका जो राइट आंसर है वो है बी एस बी। सॉल्यूशंस को अगर ब्रॉड रीड करना है थोड़ा सा ज्यादा नॉलेज चाहिए तो एंटीमनी का प्रतीक एस बी और परमाणु संख्या 51 के साथ एक रासायनिक तत्व है। ये कैसे तत्व है, एक्चुअली एंटीमनी एक रासायनिक तत्व है, एक चमकदार धुमेला उपधातु है। यह प्रकृति में प्रमुखतः है सल्फाइड खनिज स्टिबनाइट के रूप में पाया जाता है। बच्चों ये जो मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूं ये एक ऑनलाइन मॉक टेस्ट है वेबसाइट, वहां से मैंने ये क्वेश्चंस उठाए हैं। एक स्टूडेंट है उसने मुझको मेल करा था, उसने मुझसे कुछ अपनी पर्सनल कुछ क्वेरी थी उससे डिस्कस करा और उसने मुझको पूछा कि सर ऑनलाइन टेस्ट कौन सा लिया जाए। तो उसने ऑनलाइन टेस्ट भी परचेस करा, काफ़ी मेहनती था। तो उसने मुझे राय दी कि सर आप एक काम करिए प्लीज़ ये मॉक टेस्ट को आप भी देखिए, जरा देखिए कि इसका लेवल कितना सही है कितना गलत है, मतलब कि इसका लेवल क्या है। इसका लेवल सच में बहुत अच्छा लेवल है। आपको मैं इस मॉक टेस्ट के काफ़ी सारे क्वेश्चन दिखाऊंगा अगले पार्ट में। फिलहाल मेरा मेन मोटिव था कि आपको ओवरव्यू देना कि ग्राफिक कैसा आता है एसएससी का। इसमें भी मैंने 25 क्वेश्चन लिए हैं, आप देखिए आराम से अटेंड करिए, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। इसी तरह के वीडियो मैं बनाते रहूंगा, अगर आपको पसंद आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना सर ये क्वेश्चंस का जो पैटर्न था अच्छा लगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस के लेवल मैंने देखा कि बहुत अच्छा क्वेश्चंस है। उस बच्चे ने मुझे अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया मॉक टेस्ट का जो उसने परचेज करा। सर आप देख लीजिए, मेरे पास टाइम कम था बट रिक्वेस्ट करी मैंने देखा और यहाँ पे मुझे अच्छे लगे क्वेश्चंस। क्वेश्चंस का जो सिलेक्शन करा गया है इस मॉक टेस्ट में काफ़ी अच्छा करा गया है, एक लेवल बना रखा है उसने। तो एसएससी एक्चुअली इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछता है, तो आप देखिएगा बड़े ध्यान से इस वीडियो को प्लीज़। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कहता है रेयान क्या है। 4 ऑप्शन देगा आपको, मिश्र धातु कृत्रिम फाइबर प्राकृतिक फाइबर और उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है 4 ऑप्शन देगा आपको, चारों में से चूज करना है। जो ग्रीन कलर का जो ये मैंने हाईलाइट कर रखा है जिसमें टिक लगा है राइट, मतलब वो हमारा राइट आंसर है। इसका जो आंसर होगा वो होगा कृत्रिम फाइबर। रेयान क्या है, रेयान एक कृत्रिम फाइबर है। इसको हम सेल्यूलोज तंतु भी कहते हैं। यह मुख्य रूप से लकड़ी की लुगदी शुद्ध सेल्यूलोज से बनाया जाता है जो रासायनिक तौर पर घुलनशील यौगिक में बदल जाता है। ठीक है तो रेयान क्या है, रेयान एक कृत्रिम फाइबर है, बस आप इतना लिखिए। डिटेल में आप पढ़ना चाहे पढ़ सकते हो, आपकी नॉलेज के लिए इतना होना चाहिए, क्योंकि अगर आप सीजर की तैयारी कर रहे हो तो आपको सॉल्यूशंस के नीचे जो ये लाइन दी गई है इतना भी बेस आपका होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहता है कि कौन सा ग्रह सबसे छोटा दिन देखता है। तो इसका जो ए बी सी डी 4 ऑप्शन अगेन आपको देखा एग्जाम में, तो इसका राइट आंसर है ए बृहस्पति। सॉल्यूशन है सौरमंडल के 8 प्रमुख ग्रहों में से बृहस्पति ग्रह में सबसे छोटा दिन होता है। यह अपनी धुरी पर एक बार में 9 घंटे 55 मिनट 29.69 सेकंड में घूमता है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने बच्चों। अगला क्वेश्चन, आरटीआई अधिनियम पेश कब करा गया। अधिनियम मतलब जो उसकी ड्राफ्टिंग जो करी गई थी, उसकी जो रिक्वेस्ट डाली गई थी वो डाली गई थी 2002 में, लेकिन आरटीआई कब लागू हुआ था वो हुआ था 2005 में पारित हुआ था आरटीआई।
ठीक है, आपसे 2 ईयर देगा आपको, देखो 2002 भी दे रखा है और 5 भी दे रखा है, दोनों ऑप्शंस आपके सामने क्वेश्चंस में वो एग्जाम में देगा, आपको वो कंफ्यूज करेगा यहाँ पर। इसको पता है कि 2002 में तो रिक्वेस्ट डाली गई थी कि आरटीआई जैसा प्रोविजन भी हमारे भारत में होना चाहिए, लेकिन 3 साल उसको लग गए पास होने में उस बिल को, या कुछ भी कह दीजिए। तो 2005 में ये इम्प्लीमेंट हुआ पूरे भारत में, तो दोनों ईयर है। आप देखिए कि अधिनियम पेश जो हुआ 2002 में हुआ और पारित कब हुआ, 2005 में हुआ, ठीक है। तो ये आप देखिए 2005 में पारित हुआ, तो इस पे फोकस करना एग्जाम में, मैक्सिमम ये भी पूछता है क्वेश्चंस में। और 2002 मतलब अधिनियम कब पेश हुआ, भाई कोई भी चीज़ अगर पेश करी जाती है कहीं पे, अगर रिक्वेस्ट डाली जाती है तो ये सरकारी काम है, ऑन द स्पॉट काम नहीं होता है। तो पारित होने में इसको टोटल 3 साल लग गए, 2002 में प्रेजेंट करा गया, अधिनियम पेश हुआ और उसके बाद में 3 साल बाद 2005 में पारित हुआ, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि निम्नलिखित राजवंशों में से सोमेश्वर सेकंड किसके राजा थे, चार ऑप्शन अगेन आपको देगा, तो इसका जो जो राइट आंसर है वो है चालुक्य है। सोमेश्वर सेकंड गडग क्षेत्र के आसपास का प्रशासन देख रहे थे, वह अपने पिता सोमेश्वर फर्स्ट के बाद पश्चिमी चालुक्य राजा बने, वह सोमेश्वर के बड़े पुत्र थे, ज्येष्ठ का मतलब होता है बड़ा पुत्र, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में हम आगे बढ़ते हैं। स्तनपाई अंडे देते हैं कौन से स्तनपाई अंडे देते हैं, चार ऑप्शन अगेन, इसका जो राइट आंसर है वो है प्लैटिपस, प्लैटिपस, ठीक है। प्लैटिपस एक स्तनपाई है जो अंडे देता है, अन्य सभी स्तनपाई बच्चे पैदा करते हैं, ठीक है, ये अंडे दे देता है, बाकी सब क्या करते हैं डायरेक्ट बच्चे पैदा करते हैं सीधे, उनका अंडे वगैरह बनते नहीं है। बाकी ठीक है, बायोलॉजी का जो पार्ट जब हम करेंगे तब हम सीखेंगे इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, काठियावाड़ प्रायद्वीप एक प्रकार है, चार ऑप्शन देगा आपको आकस्मिक तट रेखा का, तो इसका ये राइट आंसर है। देखो काठियावाड़ प्रायद्वीप पश्चिम भारत और सौराष्ट्र क्षेत्र के भाग में एक प्रायद्वीप है, इसकी समुद्र सीमा पश्चिम में कच्छ की खाड़ी से दक्षिण में अरब सागर तक है, ठीक है। इसके पोजीशंस क्या है हमारी आकस्मिक तट रेखा की, ये दिया गया पूरा, इसका पोजीशंस हमारी क्या है, ठीक है। भूमि की सतह के स्थानीय विवर्तनिक उत्थान या सागर घाटियों के पानी की मात्रा में कमी के कारण समुद्र स्तर से ऊंचाई में कमी आने से आकस्मिक तटरेखा बनती है, जब समुद्र में पानी की कमी होती है तब कौन सी रेखा बनती है, आकस्मिक तटरेखा बनती है। तो काठियावाड़ प्रायद्वीप कुछ इसी प्रकार का हमारा प्रायद्वीप है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान के प्रस्तावना में नहीं है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कौन सा वर्ड नहीं है, कौन सा शब्द नहीं है, ए बी सी डी, चार ऑप्शन देगा, तो संघीय हमारा जो है प्रस्तावना में नहीं है, हालांकि भारतीय राज्य संघीय है, भारतीय राज्य संघीय है, इसमें अलग अलग प्रकार के राज्यों का एक संघ बना करके पूरा भारत का निर्माण हुआ है, लेकिन संघीय शब्द का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया, अन्य सभी शब्दों का उल्लेख करा गया, मतलब धर्म निरपेक्ष जो है प्रस्तावना में आपको मिलेगा जब आप पढ़ेंगे, समाजवादी आपको मिलेगा, बट संघीय आपको शब्द ये जो वर्ड है नहीं मिलेगा, ठीक है। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, अमू दरिया किस देश से नहीं गुजरती है, अमू दरिया एक्चुअली क्या है, मध्य एशिया की एक प्रमुख नदी है, ठीक है, मध्य एशिया की काफी फेमस नदी है अमू दरिया, वो कहाँ से नहीं गुजरती है, बच्चों ध्यान देना, नहीं गुजरती है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है पाकिस्तान, और कहाँ कहाँ से होकर जाती है, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान से होकर गुजरती है, लेकिन पाकिस्तान से ये पास नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 10, कौन पाचन का प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन पाचन का प्रकार है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है यंत्रवंत पाचन और रासायनिक पाचन, दोनों ही है, ठीक है, डी इसका हमारा राइट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है, उन्नू नीली संदेशम एक साहित्यिक कार्य है, किस भाषा से संबंधित है, मलयालम से, उत्तरू नीली संदेशम मलयालम भाषा में सबसे पुरानी साहित्यिक रचनाओं में से एक है, ठीक है, इसे संदेशा काव्यम या संदेश कविता भी कहा जाता है,
देखिए इस तरह के क्वेश्चन साहित्य को लेकर के भी एग्जाम में एसएससी के कई बार पूछा गया है, तो इस पर भी आप फोकस बनाए रखिएगा। और कभी भी पूछता है कि कौन सी बुक का ऑथर या राइटर कौन है, राइटर के नाम आपको पता होना चाहिए। तो इस ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछने के लिए अब आते हैं या दिखने को मिलते हैं हमको, तो आप प्लीज़ इसको ध्यान से देखिएगा कौन सा राइटर, कौन सी बुक का कौन सा राइटर है, उसके नाम की लिस्ट आप याद कर लीजिएगा। अब बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 12। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम क्या है? ये हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन किसी भी न्यूट्रन के बगैर प्रोटियम होता है, हाइड्रोजन एक न्यूट्रन के साथ ड्यूटेरियम होता है, हाइड्रोजन दो न्यूट्रन के साथ ट्रिटियम होता है, तीनों में से ट्रिटियम पूर्ण स्थिर से कम स्थिर है तथा रेडियोधर्मी भी है। तो अब डायरेक्ट याद कर लीजिएगा तीनों का नाम लिखिए क्या है ये सब, ये एक्चुअली हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं, बस इतना याद करिए। डिटेल में आप पढ़ सकते हैं, अगर आपको साइंस काफ़ी अच्छी लगती है तो पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, पढ़ सकते हैं। वीडियो को पॉज करिए, इसको रीड करिए, इसको नोट करिए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, बोलोमीटर एक उपकरण मापने हेतु क्या है? विद्युतीय धारा नापता है ये हमसे, या विद्युत चुंबकीय विकिरण के काम आता है ये, महासागर की गहराई या आयाम? देखिए सॉल्यूशन इसका जो दिया गया है वो दिया, राइट जो आंसर है वो है बी। बोलोमीटर एक ऊष्मा निर्भर विद्युत प्रतिरोध के साथ पदार्थ को गर्म करने से विद्युत चुंबकीय किरणों की शक्ति को मापने हेतु एक उपकरण है, एक डिवाइस है। ठीक है, तो बोलोमीटर क्या है? विद्युत चुंबकीय विकिरण को मापने का एक यंत्र है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। एंग्लो मैसूर युद्ध हमसे पूछा है, फोर्थ चौथा, इस चौथा जो हमारा एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था इसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, एग्जाम में कभी कभी ये भी पूछता है कि कौन से एंग्लो मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी या फिर युद्ध में वो मारा गया था। अब तो आपको याद रखना है फोर्थ, और ये कब हुआ था इसका ईयर आप याद रखिए 1798 से 99 के बीच में। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को याद करेंगे बच्चों। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। बाकी डिटेल आप इसके नीचे दे सकते हैं, सॉल्यूशंस में काफी तरीके से समझाया गया है इसमें, आप वीडियो को पॉज करिए और देखिए। बच्चों अगले क्वेश्चंस में बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं तो प्लीज बनाइए, अगेन इस वीडियो को पॉज करके या अगेन दोबारा प्ले करिए इसको स्टार्टिंग से, और अपने नोट्स बनाइए। ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। और एक सूचना और, अगर आप हमारी टीम में जुड़ना चाहते हैं, जैसे ये स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट एक्चुअली कलकत्ता का है, तो इसने मुझे बोला था कि सर मेरा नाम प्लीज़ वीडियो में मत लेना, रीज़न क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन उसने मना करा था, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा। बट उसने इस ऑनलाइन टेस्ट के माध्यम से बहुत बड़ी हेल्प करी है उसने आप सबकी। देखिए अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड देना इतना इजी काम नहीं है, उसने परचेज करा है, किस हालात में परचेज करा है वो वही जानता होगा। तो मैंने मांगा नहीं था, उसने मुझे खुद दिया कि सर मेरा ऑनलाइन लॉगिन आईडी पासवर्ड ले लीजिए। तो उसने कुछ टेस्ट भी उसमें दिए हैं ऑनलाइन, तो स्कोर ज़्यादा सही नहीं है उसका, लेकिन फिर भी। तो आप प्लीज़ मुझसे प्लीज़ ये मत कहना कि सर इसका स्क्रीनशॉट मुझको भेज दो सारे, हमको मेल कर दो, मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ढेर मत लगाइए आप प्लीज़ अपने अपने पास में। क्योंकि बच्चों को मैंने देखा है कि वो बुक का ढेर लगा लेते हैं, पीडीएफ का ढेर लगा लेते हैं, स्क्रीनशॉट सबसे ले लेते हैं, ठीक है, जेपीजी पीएनजी इमेज होती है सबसे इकट्ठी कर लेते हैं। तो ऐसा मत करिए, जो आपको दिखाई दे रहा है केवल उसको पूरी ईमानदारी के साथ से आप देखिए, ईमानदारी बरतें अपने साथ में, तो आपका सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा। अगर आप मेरी टीम में जुड़ना चाहते हैं, आप भी उस बच्चे की तरह आप भी किसी की हेल्प करना चाहते हैं इस यूट्यूब के माध्यम से, मेरे चैनल के माध्यम से, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेल में आप मुझे अपनी बेसिक डिटेल भेज सकते हैं, unnatyclassesucc@gmail.com पे मेल करिए मुझको, और मुझको बताइए कि आप कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपका सब्जेक्ट कौन सा स्ट्रांग है। ठीक है, कुछ बेसिक नॉलेज, आपका नाम, जो बेसिक नॉलेज होती है वो मुझे लिख के भेजिए, मैं फिर डिसाइड करूंगा कि आपको कैसे कॉन्टेक्ट करना है, आपको कौन सा काम आपको मतलब सौंपना है, कौन सी जिम्मेदारी आपको देनी है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो, अगर इंटरेस्टेड नहीं है तो फिर कोई बात ही नहीं है। लोग जुड़े हमारी टीम के साथ तो अपने मन से जुड़े,
कोई बाउंडेशन नहीं है उनके ऊपर, ठीक है। पहले अपनी लाइफ को सिक्योर करिए, पहली जॉब गेन करिए अपनी, उसके बाद में ये काम होते रहेगा। अपना चैनल खुद बनाइए, खुद अपना नॉलेज लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट करिए, किसी भी माध्यम से करें, वो आप पे करता है डिपेंड। बट उसने खुद मुझे कांटेक्ट करा, खुद मुझको उसने मुझसे कांटेक्ट नंबर मांगा, मैंने उससे बात करी, उसने खुद मुझे थोड़ा फोर्स करा, सर मेरा स्टेटस आप चेक कर लीजिए, मैं ऑनलाइन टेस्ट दे रहा हूँ तो इस सेक्शन में मैं बहुत वीक जा रहा हूँ, तो अगर आप पहल करते हो तो मैं पहल करता हूँ फिर, ठीक है। चलिए बात बहुत अधिक हो रही है, क्योंकि टाइम का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना जाए हमारी भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 भी हमने खत्म करा, 15 में बढ़ते हैं आगे। वियनित्या ने किसकी राजधानी है, ठीक है, वियनित्या किसकी राजधानी है, तो इसका जो सही आंसर है वो है लाओस। लाओस जो है ये थाईलैंड की सीमा के साथ लगा हुआ है, मेकांग नदी के तटों पर स्थित लाओस की राजधानी है, और सब जो है बाकी जो रिमेनिंग है कंबोडिया, मॉरिशियस एंड नाइजीरिया, ये बहुत बड़े बड़े शहर हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है देखते हैं, क्या चाहता है हमसे पूछना, वो चाहता है कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशंस किसका प्रकार है, अवाविय श्रवण से, इसमें क्या होता है, उसमें उच्चतर पेड़ों में बहुत कम समय के लिए और मुक्त ऑक्सीजन के अभाव में होती है, उदाहरण के लिए अंकुरित बीजों का अवाविय श्रवण या खमीर का श्रवण। काफी टिपिकल लैंग्वेज है बच्चों, ये पढ़ लेना आप हो सके तो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। शाहजहां नामा किसके द्वारा लिखी गई, इनायत खान के द्वारा। शाहजहां नामा मुगल शासक शाहजहां का संक्षिप्त इतिहास है, शाहजहां जो थे उसका संक्षिप्त इतिहास, मतलब उन्होंने कैसा राज्यपाट संभाला, उनकी रणनीति क्या थी युद्ध को लेकर के, तो संक्षिप्त मतलब छोटा सा इसमें सार दिया गया है, ठीक है। इसके लेखक पूछा गया था किसने लिखी, तो उनका नाम है इनायत खान। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, भारतीय राष्ट्र पर महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा कब हुई, तो हमारे भारत पर महारानी विक्टोरिया ने कब अपना राइट जमाना स्टार्ट करा, 1858, मतलब 1857 की क्रांति के बाद ही भारत की जो महारानी बनी थी विक्टोरिया, वो बनी थी 1858 में, तो जो भी रूल होता था तो इनके ही द्वारा, हमारे भारत में जो भी रूल बनाए जाते थे इनके द्वारा ही अप्लाई करे जाते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से क्या हाइड्रोफ्लोरोकार्बन की अवधारणा से संबंधित है, ठीक है, चार ऑप्शन हमारे सामने दिए गए हैं, तो उसका जो राइट आंसर है वो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, डिटेल सॉल्यूशन में दी गई है, आप इसे आराम से पढ़ सकते हैं। मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 हमसे कहता है बच्चों, गरीब रथ रेल सेवा, कई बच्चों ने इसका आनंद भी लिया होगा, ये एक रेल सेवा है जो गरीबों के लिए चलाई गई थी और कब से शुरू हुई थी, 2005 से। अब आप ये मत कहिएगा कि 2017 चल रहा है, ठीक है, 16 तारीख आज हो चुकी है, 16 मार्च 2017 में ये कैसे पूछ सकता है, तो बहुत ओल्ड क्वेश्चन है, वो कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, 2012 13 में कई बार कई एग्जाम में, ग्रेड डी के एग्जाम, रेलवे के एग्जाम, एसएससी के एग्जाम में ये क्वेश्चंस इसी तरह से सेम बिल्कुल डिट्टो कॉपी करके आपके एग्जाम में रखा गया था, तो इसलिए इस मॉक टेस्ट में जो भी क्वेश्चंस मैं आपको दिखा रहा हूँ काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, मैंने खुद इस पे रिसर्च करी है, उसके बाद ही मैंने फाइनल क्वेश्चंस का सिलेक्शन आपके सामने करके दिया है। 2005 में इसकी शुरुआत हुई थी, डिटेल आप नीचे पढ़िएगा, इसमें फुल्ली एसी लगा हुआ है जो आम आदमियों की जरूरत के हिसाब से काफी लाभदायक आरामदायक एक रेल सेवा प्रारंभ हुई थी, कब हुई थी, 2005 में। क्वेश्चन नंबर 21, स्वीडन की कैपिटल क्या है, स्वीडन की राजधानी क्या है, ए बी सी डी अगेन चार ऑप्शन, उसका राइट आंसर है स्टॉकहोम, ठीक है। इस जगह पर काफी सारे टापू भी हैं, झील है, वन है और पर्वत भी हैं। क्वेश्चन नंबर 22, मैग्नीज की परमाणु संख्या क्या है, बच्चों एग्जाम में कभी कभी परमाणु संख्या पूछ लेता है, स्टैंडर्ड कुछ चीजें हैं परमाणु संख्या, वो आप याद कर लीजिएगा, तो इसकी जो परमाणु संख्या वो आप नोट कर लीजिए, 25 लिखिए, मैग्नीज परमाणु संख्या इक्वल में लिखिए 25। क्वेश्चन नंबर 23, 23 में बोलते हैं हमसे,
एंसेफेलोपैथी, एंसेफेलोपैथी किस चीज से संबंधित रोग है? तो यह मानव के मस्तिष्क से, माइंड से रिलेटेड ये डिजीज है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि मानव मस्तिष्क से संबंधित एक रोग है, साफ दिखाई दिया है हमको सॉल्यूशन में दिखा रहा है। देखिए बढ़िया, एंसेफेलोपैथी मानव मस्तिष्क से संबंधित एक रोग है। यह एक रोग नहीं बल्कि पूरे माइंड की स्थिरता का लक्षण है। जब पूरा माइंड क्या होता है, स्थिर हो जाता है, फ्रीज हो जाता है, इसमें सारी एक्टिविटी ब्रेक हो जाती है, रुक जाती है, थम जाती है। तो ऐसी कंडीशन में कौन सा रोग होता है? एंसेफेलोपैथी। ठीक है, इस बीमारी के कई जैविक और अजैविक कारण हो सकते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। निम्नलिखित में से क्या सुपर कंडक्टर है? पारा, नाओबियम, नाइट्राइड, लेड। तो ये सभी क्या है? सुपर कंडक्टर है। क्वेश्चन नंबर 25, ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम में आपसे 25 क्वेश्चन ही पूछता है एसएससी के सभी एग्जाम में। एसएससी के सभी एग्जाम ऑनलाइन है, सबको पता है। तो ये क्वेश्चन नंबर लास्ट है हमारा इस वीडियो का, 25। इसरो की स्थापना कब हुई थी, उसका ईयर पूछ रहा है हमसे क्या था। तो कभी कभी हमको लगता है कि स्थापना ठीक है 1965 में आजादी के बाद हुई होगी इसरो की स्थापना, तो कॉमन सी बात है, चारों ऑप्शन आपको जो भी देगा वो 1947 के बाद की देगा। तो यहाँ पे अब डाउट होता है, तो उसका जो राइट आंसर है वो इनमें से कोई नहीं। सॉल्यूशन पढ़ते हैं, नीचे क्या लिखा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन भारत सरकार की अंतरिक्ष एजेंसी है, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? हेडक्वार्टर कहाँ है? बैंगलोर में। आप लिखिए इसरो हेडक्वार्टर बैंगलोर। स्थापना हुई थी इसकी क्या, 15 अगस्त 1969 को की गई थी। ठीक है, विक्रम साराभाई ने। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके सामने जो मैंने प्रेजेंट करे। जो भी स्टेट पीसी की तैयारी कर रहा है, जो एसएससी की तैयारी कर रहा है, चाहे उसका एमटीएस का एग्जाम आने वाला क्यों ना हो, या फिर आपका एग्जाम अगर सीजीएल का आने वाला है, तो अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो इन सभी क्वेश्चन को आप प्लीज 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 स्किप मत करिए। नोट करने से प्लीज चूकिए मत, पेन की कंजूसी मत करिए, टाइम की कंजूसी मत करिए। आपके पास टाइम नहीं है, पढ़ना है, सिलेक्शन करना है, तो टाइम आपको निकालना पड़ेगा पढ़ाई के लिए। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। अगेन आप माई टीम में जुड़ना चाहते हैं अपनी इच्छा से, ठीक है, अपनी इच्छा से। अगर आपकी इच्छा है हमारी टीम में जुड़ने की, हमारी वीडियो को बनाने में कुछ हेल्प करने की, तो आप सभी का मोस्ट 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 वेलकम है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे अलविदा। मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा आपके आने वाले एग्जाम के लिए। मेरी ओर से बहुत सारा आपको ऑल द बेस्ट। पीछे से जो भी डिस्टरबेंस रही, पीछे से जो भी साउंड आया, तो मैं उसके लिए आपसे सॉरी बोलूंगा, क्योंकि मैं जो रिकॉर्डिंग करता हूँ वो केवल नॉर्मल एक घर में रिकॉर्डिंग करता हूँ, तो आसपास का थोड़ा सा माहौल को भी ध्यान में रखना पड़ता है। और रिकॉर्डिंग स्टूडियो करने के लिए थोड़ा दिक्कत होती है कि रिकॉर्डिंग स्टूडियो जाना पड़ता है, तरीके से जाना पड़ता है वहाँ पर, फिर वहाँ पे करना पड़ता है। तो इतना अभी हमारा चैनल एफर्ट्स नहीं कर पाएगा, एक टाइम आएगा जरूर ऐसा करेगा। आप लोगों का सहयोग चाहिए, आप लोगों का प्यार चाहिए। मेरे 10,000 से ऊपर सब्सक्राइबर्स हो गए हैं इस चैनल पे, मात्र बने हुए इसको 2 महीने हुए हैं, तो आप सबका सहयोग मुझको मिल रहा है। इसके लिए अनेक अनेक धन्यवाद। इस वीडियो के साथ, इस चैनल के साथ बने रहिए, नोट्स बनाते रहिए, रिविजन जरूर करना, और इस वीडियो को हो सके तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उन तक बस शेयर उन्हीं को करना जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। उसे शेयर मत करना कि आपका फ्रेंड कोई एमबीबीएस कर रहा है, तो उसका ये वीडियो किसी काम के लिए नहीं है। उसको शेयर मत करना कोई अगर बच्चा आपका फ्रेंड जो भी है बच्चा फ्रेंड आपका, तो वो अगर वो सीए की तैयारी कर रहा है आप उसको शेयर कर रहे हो, तो आप गलत कर रहे हैं। शेयर उसी को करना जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो। ठीक है, मैं ये अपने हर वीडियो में मैक्सिमम ये बात बोलता हूँ आपको। तो ठीक है, आप लाइक करिए, आपको वीडियो पसंद आया हो तो। एटमॉस्फेयर यही था जो होता है, ग्राफिक यही प्रेजेंट होगा आपके सामने आपके एग्जाम में। तो अब आपको आइडिया मिल गया कि किस टाइप का एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, कैसे हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। मैं आपको अगेन एक बार रिपीट करना चाहूंगा, देखिए इस तरह का आपका सबमिट करते ही ग्राफिक खुल के आ जाएगा। आप सेक्शन यहाँ से चूज कर सकते हैं, ऊपर आपको इंग्लिश चूज करना है तो आप इंग्लिश पे क्लिक करेंगे, ऑनली आपके पास 25 क्वेश्चन इंग्लिश के ही आएंगे। ठीक है, और जीए करना है तो आप जीए कर लीजिएगा, क्वांट करना है क्वांट करिए, रीजनिंग करना है रीजनिंग करिए, कोई सा भी सेक्शन आप यहाँ पे क्लिक करके चूज कर सकते हैं। लैंग्वेज को आप यहाँ से चूज करेंगे, व्यू इन आपको व्यू कैसे चाहिए, हिंदी में चाहिए इंग्लिश में चाहिए। जैसे ही आप ड्रॉप डाउन करेंगे, उसको ड्रॉप पे क्लिक करेंगे, जो एरो है नीचे क्लिक करेंगे, उसको इंग्लिश और हिंदी दोनों आएगा।
तो आप इंग्लिश में क्लिक करेंगे, आपका ये ऑटोमेटिक क्वेश्चन जो है पूरा कंप्लीट इंग्लिश में आपके सामने प्रेजेंट हो जाएगा। काफी बेसिक चीजें हैं, कई बच्चों को नहीं पता होता, तो ठीक है शुरुआत में नहीं होता पता, लेकिन अब आपको पता चल गया है। तो आपको चार ऑप्शन ऐसे ही देगा, आप अपने चाहें तो फॉन्ट का साइज, टेक्स्ट का साइज इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, बट ये मत करना अगर आप इनकी डिक्रीज करते हैं तो वहाँ पे जो टेक्निकल जो एनवायरनमेंट होता है, तो जब आप फॉन्ट बड़ा बड़ा करेंगे छोटा करेंगे तो कुछ थोड़ा सा टाइम खर्च करता है वहाँ पर, मतलब आपके जो ग्राफिक है उसको सेट करेगा तो 1-2 सेकेंड उसमें आपके खर्च हो सकते हैं हर एक क्वेश्चन में। तो इसके साथ छेड़ाखानी मत करना डायरेक्ट, आप हाँ इसके साथ कर सकते हैं व्यू के साथ में, लैंग्वेज चूज कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, चलिए लेता हूँ आपसे मैं अलविदा, मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।